हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, अगर और ये टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री देखेंगे, उसका क्या इंट्रोडक्शन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, स्कोप देखेंगे, एरर्स देखेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स देखेंगे, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन देखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे, इंप्यूरिटीज इन देखेंगे फार्मास्यूटिकल्स में, ठीक है, इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटीज देखेंगे। ठीक है, और अगर आप इस PDF नोट करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर वीडियोस के लिए। ठीक है, और ये पार्ट वन है। पार्ट टू में हमने जितने चैप्टर वन के जितने भी टॉपिक्स रह गए हैं वो कवर किए हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो पहले फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है वो देखते हैं। तो द केमिस्ट्री विच स्टडी अबाउट द ड्रग डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स इज नोन एज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। यानी जो ड्रग डिजाइन को और सिंथेटिक ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स को करते हैं उसे हम किस में स्टडी करते हैं, उसे हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, यानी ड्रग डिजाइन कैसी है, ठीक है, और सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल मतलब उसमें कौन से बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, ये किस में स्टडी की जाती है, ये की जाती है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व डेवलपमेंट एंड द स्टडी ऑफ ड्रग, ड्रग डिस्कवरी, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, डिलीवरी एक्ट एक्सेट्रा और इंक्लूडेड इन दिस। यानी इसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या है कि स्टडी ऑफ ड्रग की जाती है, ठीक है, और ड्रग डिस्कवरी, न्यू ड्रग जो डिस्कवरी होते हैं किनके द्वारा किस में स्टडी किया जाता है, इसी में स्टडी की जाती है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। और उसके बाद है मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, डिलीवरी यानी कैसे डिलीवरी होनी चाहिए ड्रग की, ठीक है, और इंक्लूडेड इन दिस, सारी चीज़ें किस में इंक्लूड है, ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इंक्लूड है। ठीक है, अगर हम कैरियर देखें तो कैरियर्स क्या क्या हैं, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, ठीक है, ड्रग डेवलपमेंट एंड रिसर्च फैसिलिटीज हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, करियर के ऑप्शंस हैं इसमें। ठीक है, अब हम बात करें ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इट मीन्स मेन एम इज टू एंश्योर द फिटनेस ऑफ पर्पस ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट बाय एनालाइजिंग एंड एवेल्युएटिंग देम एज पर द क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी इसका पूरा ऑब्जेक्ट क्या है, यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, जो फिटनेस बढ़िया सा बढ़िया मेडिसिनल प्रोडक्ट बनाया जाए, ठीक है, बट एनालाइज करके, एवेल्युएट करके, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड जैसा, यानी एज पर द क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड उसमें कैसा होता है ऐसा ही, ठीक है, इसका मेन एम है। ठीक है, फॉलोइंग आर द सम ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ये कुछ ऑब्जेक्ट हैं, देखिए, टू इनहेंस द नॉलेज बेस रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन। यानी इसमें क्या है कि नॉलेज देते हैं किसकी, सिंथेसिस की, आइसोलेशन की और प्यूरिफिकेशन की, ठीक है, नॉलेज बढ़ाते हैं। ठीक है, टू इनहेंस द स्किल फॉर इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स, ग्लासवेयर। यानी इसमें स्किल्स को ऐसे एंकरेज करते हैं कि उस हैंडलिंग केमिकल को कैसे हैंडल करना चाहिए, ग्लासवेयर्स को कैसे यूज़ करना चाहिए ग्लासवेयर्स को, ठीक है, और उसके बाद टू प्रोवाइड प्रॉपर क्वालिटी एंड स्किल्स टू स्टूडेंट। यानी इसमें क्या है कि प्रॉपर क्वालिटी और स्किल्स भी देते हैं स्टूडेंट को जो उनकी रिक्वायरमेंट है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ठीक है, एज ए केमिस्ट, ठीक है, और टू ट्रेन द स्टूडेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ केमिकल्स। यानी केमिकल से क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो सारे इसमें ट्रेन किए जाते हैं। ठीक है, वो किस में आते हैं, सारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ही ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, ये सारे सिखाए जाते हैं। अब देखिए स्कोप क्या है, तो स्कोप देखें तो गुड राइटिंग एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल स्किल्स होनी चाहिए, एबिलिटी टू प्योरीफाई ड्रग एंड इंटरमीडिएट्स, ठीक है, यानी एबिलिटी होनी चाहिए ड्रग को प्योरीफाई करने के लिए और इंटरमीडिएट करने के लिए, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स आनी चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल रोल ड्रग, ठीक है, टीम वर्क एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ये सारे क्या है रिक्वायरमेंट है, यानी ये सब चाहिए, ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, ये तो हो गई केमिस्ट्री के बारे में, पहले हमने केमिस्ट्री देख ली क्या है कि यानी ड्रग डिजाइन को, सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स को, इसे हम किस में स्टडी करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, करियर देख लिया, ऑब्जेक्टिव्स देख लिए और जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं और देख लिए, स्कोप देख लिया। ठीक है, अब देखेंगे एरर्स क्या है। एरर इज ए मिस्टेक बट रेदर ए डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटेड एंड स्टेबल मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्सपेक्टेड ट्रू स्पेसिफाइड थ्योरी करेक्ट वैल्यू। यानी एरर एक ये है जो हमने कंप्यूटर वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू की है, यानी जो थियोरटिकल वैल्यू क्या है और जो हमने जो परफॉर्म किया उसके वैल्यू क्या है, वो उस डिफरेंस को हम एरर बोलेंगे। जैसे पहले से ही कन्फर्म है कि जो एग्जांपल ले लें कि एक टीस्पून डलती है, ठीक है, चाय को मीठा करने में, अगर फॉर एग्जांपल हमने आधी स्पून डाली तो इनका जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल केमिकल जो यूज़ करते हैं उसमें वो अलग होता है, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू और थियोरटिकल वैल्यू होती है उसका डिफरेंस होता है एरर। ठीक है, एरर क्लासिफिकेशन की जाए तो किन पार्ट में डिवाइड है, तीन पार्ट में, देखिए सिस्टमैटिक एरर होता है या डिटरमिनेंट बोल सकते हैं, नॉन रैंडमिक एरर बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड होता है नॉन सिस्टमैटिक या इंटरमीडिएट या रैंडम या एक्सीडेंटल एरर। ठीक है,
थर्ड होता है ग्रॉस एरर। ठीक है, अब इन सबको, इन तीनों को हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले देखते हैं सिंथेटिक एरर। तो द एरर इज कॉन्स्टेंट और चेंज स्लाइटली बाई कंसिडरिंग फॉल्ट ड्यूरिंग द एनालिसिस, यानी एनालिसिस में कुछ चेंज आने की वजह से जो एरर आती है उसे हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, जैसे कि एरर इन टाइट्रेशन। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकते हैं, ऑपरेशनल एरर हो सकते हैं। ठीक है, मेथोलॉजिकल एरर अकर ड्यू टू फॉल्ट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, पर्सनल वेन एरर अकर ड्यूरिंग द ऑपरेशन और कैरी आउट द एक्सपेरिमेंटल इज कॉल्ड ऑपरेशनल एरर। ठीक है, ऐसे ही मेथोलॉजिकल एरर होते हैं। ठीक है, द एरर आर मोस्ट सीरियस एरर ऑफ एनालाइजिंग, मोस्ट ऑफ एवो एरर कैन बी मिनिमाइज और करेक्ट, बट एरर दैट आर नॉट चेंजेबल अनलेस द कंडीशन ऑफ डिटरमिनेंट्स आर अल्टर्ड। ठीक है, अब बात करेंगे नॉन सिस्टमेटिक एरर की। तो द एरर अनप्रिडिक्टेबल एंड डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई सोर्स प्रेजेंट ऑफ द बबल्स इन ब्यूरेट सैंपल हैंडलिंग प्रॉपरली। ठीक है, यानी इससे अनप्रिडिक्टेबल है, ये डिफिकल्ट डिफरेंट टू आइडेंटिफाई होता है। इसके एग्जांपल है जैसे बबल्स प्रेजेंट होते हैं ब्यूरेट में, ठीक है, और सैंपल हैंडलिंग इम्प्रॉपर, यानी ये दो ऑप्शन है एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी ब्यूरेट में बबल्स आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टमेटिक एरर बोलेंगे। ठीक है, और या तो सैंपल हैंडलिंग इम्प्रॉपर है तो उसे हम बोलेंगे नॉन सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, अब देखते हैं ग्रॉस एरर। तो दिस एरर और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिस्टमैटिक एंड नॉन सिस्टमैटिक एरर, यानी जो ग्रॉस एरर है ये कॉम्बिनेशन है किसका, सिस्टमैटिक एंड नॉन सिस्टमैटिक एरर का। ठीक है, दे आर रिजल्ट ऑफ बिग मिस्टेक, यानी ये क्या रिजल्ट देते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक को देते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी मिस्टेक का रिजल्ट है। ठीक है, ये मेड ड्यूरिंग एनालाइजिंग एंड कैन बी आइडेंटिफाई इजिली, अगर एनालाइजिंग कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई इजिली, बट क्रॉस एरर इज ऑल्सो नोन एज अवॉइडेबल एरर, यानी ग्रॉस एरर को और क्या बोलते हैं, अवॉइडेबल एरर। ये फिन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि अदर नेम ऑफ द ग्रॉस एरर, तो हम बोल सकते हैं अवॉइडेबल एरर या एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है, सोर्सेस क्या क्या है, यानी किन चीज़ों से हो सकता है ग्रॉस एरर, एक कैलकुलेशन एरर हो सकता है, रॉन्ग सैंपल साइज हो सकता है, मिक्सअप ऑफ सैमोल रिएजेंट की वजह से हो सकता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एरर की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिकॉशंस। ठीक है, ये क्या हो गए, ये हो गए एरर्स, तीन एरर हैं, सिस्टमेटिक एरर बोल सकते हैं, और सेकंड है नॉन सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, और थर्ड है ग्रॉस एरर। अब हम बात करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, एक्यूरेसी क्या है, इट कैन बी सेड दैट द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड वैल्यू एंड एस्केप्टेड वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी। ठीक है, यानी जो डिफरेंस होता है बिटवीन कैलकुलेटेड वैल्यू एंड एरर वैल्यू के बीच में, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी बोलेंगे। ठीक है, प्रिसीजन रिप्रोडक्टिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट, यानी रिपीटेबिलिटी होती है जब, रिपीटेबिलिटी होती है जब। ठीक है, सिस्टम इन विच डिग्री ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट इज कंसिडर अंडर द स्टैटिक कंडीशन गिव द सेम रिजल्ट। ठीक है, रिपीटेबिलिटी, ठीक है, इट इज द वेरिएशन विच अराइज इन द स्प्रिट ऑफ ऑल द इफेक्ट मेड बाई द कीप कंडीशन कॉन्स्टेंट वेद रिलीज टू द इंस्ट्रूमेंटल एंड रिपीटेड इन द शॉर्ट टर्म स्पैम। ठीक है, रिप्रोडक्टिबिलिटी की बात करें तो इट इज द वेरिएशन विच अराइज बाई अप्लाइंग सेम प्रोसेस, यानी सेम प्रोसेस हम अप्लाई करने पर जो भी वेरिएशन आते हैं उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिबिलिटी। ठीक है, मेजरिंग बाई द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटल एंड ऑपरेशन ओवर द लॉन्ग टर्म स्पैम। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ एनी नंबर और डिजिट दैट एडेड अप टू प्रिसीजन। ठीक है, ये प्रिसीजन में ऐड किए जाते हैं। ठीक है, रूल क्या है, इनके रूल देख लेते हैं। पहला रूल है नॉन जीरो डिजिट्स और सिग्निफिकेंट, यानी उसमें कोई जीरो नहीं है, जैसे 895 हो गया, ठीक है, 623 हो गया, तो इसमें कोई नॉन जीरो नहीं है, यानी जीरो नहीं है, तो ये सारे नॉन जीरो है ना, तो ये क्या हो गए, ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, अगर हम वही बात करें तो सेकंड रूल की, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स और सिग्निफिकेंट, यानी अगर जीरो टू नॉन डिजिट के बीच में आता है, जैसे जेरे 108305, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अगर हम वहीं बात करें लीडिंग जीरो और कंसिडर इनसिग्निफिकेंट, अगर लीडिंग जीरो यानी कोई भी नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरो आ रहा हो, ठीक है, जैसे 008, ठीक है, डॉट, तो इसमें क्या है, सिग्निफिकेंट खाली एक है, 8, ठीक है, यानी ये जीरो को काउंट नहीं करा जाएगा, तो इसमें कितने जीरो, कितने सिग्निफिकेंट हैं, दो। ठीक है, अब वहीं फोर्थ रूल क्या है कि ट्रेलर जीरो आफ्टर ए डेसिमल पॉइंट और सिग्निफिकेंट, यानी ट्रेलर जीरो आफ्टर ए डेसिमल पॉइंट, यानी जब ये हो गया 6.900, जब लास्ट में जीरो आता है ना, तो उसे हम सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। ठीक है, और जो फ्रंट में आते हैं इनको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में, एमसीक्यू में, कि 8, 9, 4, 3, 2 ऐसे जीरो बीच में दे देते हैं, या कभी लास्ट में जीरो दे देते हैं, या स्टार्टिंग में दो जीरो दे के पॉइंट दे देते हैं, तो पूछ लेते हैं कि इसमें से कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं, तो बताइए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स में, इम्प्योरिटीज क्या क्या है। ठीक है,
एन इम्प्योरिटी इज जनरली कंसिडर एज द वेरियस ऑर्गेनिक मटेरियल एस्केप दैट अदर ड्रग सब्सटेंस दैट अराइज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी क्या है ये, एन इम्प्योरिटी इज जनरल कंसिडर एज एन देर वेरियस ऑर्गेनिक मेटल्स एक्सेप्ट द अदर ड्रग सब्सटेंस दैट अराइज ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी जो ऑर्गेनिक मेटल है उसके अलावा जो भी अदर मेटल अदर मटेरियल प्रेजेंट होता है जब मैन्युफैक्चर प्रोसेस में आ जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी बोलेंगे। ठीक है, अब ये इम्प्योरिटी आ कैसे कैसे सकती है, तो पहले हम बात करेंगे रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो हमने रॉ मटेरियल यूज़ किया है मैन्युफैक्चर में उससे भी आ सकती है। ठीक है, इम्प्योरिटी रिजल्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल मेनी इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड कंटामिनेटिंग रिजल्ट प्रोडक्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट रॉक सॉल्ट, सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विल प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यानी इसमें क्या है कि जो मैग्नीशियम और कैल्शियम है ये कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है सोडियम क्लोराइड में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी इम्प्योरिटीज हो गए। ठीक है, अब हम सेकंड बात करें तो रिएजेंट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी जब हम रिएजेंट यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उससे भी हो सकता है, जैसे द इम्प्योरिटी फ्रॉम द रिएजेंट में कंटेमिनेट द फाइनल प्रोडक्ट इफ दे नॉट वॉश्ड अवे प्रॉपरली, यानी अगर हम उन्हें वॉश नहीं करते तो उसमें से भी आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल है मिक्सिंग मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन विद डाइल्यूट अमोनियम सोल्यूशन रिजल्ट इन द अमोनिएटेड। ठीक है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट, तो इससे क्या है कि ये भी एक इम्प्योरिटी है। ठीक है, प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो प्रोसेस हम यूज प्रोसेस जो यूज़ कर रहे हैं उसके द्वारा भी हो सकता है, जैसे डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मेनी ड्रग्स एंड केमिकल ड्रग्स। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सम इम्प्योरिटी गेट्स एक्सेस इनटू द मटेरियल, यानी जब हम डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज करते हैं अपने प्रोसीजर में तो उससे भी क्या होता है, उससे भी इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है। ठीक है, जैसे सिंथेसिक इंटरमीडिएट बाय प्रोडक्ट रेजिडेंटल सॉल्वेंट होते हैं, मेथड रिलेटेड इम्प्योरिटीज होते हैं, केमिकल प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग यानी जो केमिकल प्रोसेस हमने यूज़ किए उनसे भी हो सकता है। ठीक है, और फोर्थ है एनवायरमेंटल रिलेटेड इम्प्योरिटीज, यानी एनवायरमेंट से रिलेटेड इम्प्योरिटीज जो भी उसमें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे एटमॉस्फेयर इन इंडस्ट्रियल एरिया इज एडल्ट्रेटेड विद ग्लास लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड स्मोक एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सपोज टू एडवर्स टेम्परेचर जैसे यूवी लाइट्स हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई। ठीक है, ये इसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, अब देखें इफेक्ट्स क्या क्या है, जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं उससे फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंस पे इफेक्ट क्या है। ठीक है, ए लिटिल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऑलवेज रिमेन इन द मटेरियल, यानी कुछ ना कुछ अमाउंट की इम्प्योरिटी मटेरियल में रही जाती है, यानी जो प्रोडक्ट है उसमें रही जाती है। ठीक है, आफ्टर ए सर्टन पीरियड इवन ए मिनट क्वांटिटी ऑफ द इम्प्योरिटी कॉज टॉक्सिक इफेक्ट, यानी इसमें क्या है कि जो क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी होती है वो क्या करती है, टॉक्सिक इफेक्ट करती है इसी वजह से। ठीक है, इम्प्योरिटी ऑल्सो ब्रिंग ऑल्सो अबाउट टेक्निकल डिफिकल्टीज इन द फॉर्मुलेशन, यानी इम्प्योरिटीज होती है जो टेक्निकल डिफिकल्टीज लाते हैं फॉर्मुलेशन में। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है, इफेक्ट है। ठीक है, इम्प्योरिटीज ऑल्सो रिड्यूस द सेल्फ लाइफ ऑफ सब्सटेंस, यानी जो सेल्फ लाइफ होती है सब्सटेंस की उसको भी ये डिक्रीज कर देती है। ठीक है, इम्प्योरिटी अगर उसमें है तो। ठीक है, सम इम्प्योरिटी रिजल्ट इन इनकम्पलेबिलिटी विद अदर सब्सटेंस, यानी थोड़ी इम्प्योरिटीज क्या होती हैं जो अदर सब्सटेंस है वो इनकम्फर्टेबिलिटी करती हैं, इनकम्फर्टेबिलिटी रहती हैं, तो उससे क्या है, उससे टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसमें ठीक है, इम्प्योरिटी ऑल्सो इफेक्ट इन द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, यानी जो इम्प्योरिटीज होती हैं जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस को भी चेंज कर देती है या इफेक्ट करती है। ठीक है, ठीक है, तो हमने आज क्या क्या कवर किया है, सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, इंट्रोडक्शन में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री देखी, कैरियर देखा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव देख लिए, ठीक है, स्कोप देख लिया, एरर्स देख लिए, सिस्टमैटिक एरर नॉन सिस्टमैटिक ग्रॉस एरर होते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी प्रिसीजन देख लिया, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर देख लिए, ठीक है, इम्प्योरिटीज जो फार्मास्यूटिकल्स में होते हैं वो देख लिए, किन किन वजह से होते हैं वो देख लिए, इफेक्ट क्या क्या है वो देख लिए। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और अगर आप इन पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हो fdspharmacy.in से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर वीडियोस के लिए, और लाइक और शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे हम इंस्टाग्राम पे डेली एक पोस्ट डालते हैं उसमें एमसीक्यू रहता है। ठीक है।